तकलीफ के मिस्त्री मिस्त्री ना मिले तो मुझे बुला लें प्लीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं आई हूँ खेत में पशुओं के लिए घास ले जाने। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, मैं अकेली नहीं आई हूँ खेत में, मेरी सास भी आई है। और ये देखो पीछे हरी घास गिर रही है पेड़ से, क्योंकि मेरी सास ऊपर पेड़ पर चढ़ी हुई है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और अब हम दोनों जा रहे हैं गौशाला, और अभी हम पहुंच गए गौशाला में। और ये घास गाय के लिए और ये जो सामने बैलों के लिए है। और ये हमारी गौशाला है और हमारे दोनों बैल बाहर निकलने के लिए बेताब हो जा रहे हैं। देखो गाइस, मुझे कैसे मार रहा है ये। मेरे पीछे तो ऐसे पड़ जाता है जैसे पता नहीं गुड़ के पीछे मक्खी मारने के लिए। ये है हमारी गोरी। सो गाइस, ये हमारे बैल है, ये हमारे दो दो बैल, और हरा हरा घास खा रहे हैं। डोरिया डोरिया। गोरी। सो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं अपने गांव वाले घर। ये जो आप यहाँ पे पानी देख रहे हो, यहाँ पशुओं को पानी पिलाया जाता है। ये पशुओं के लिए बनाए गए हैं। एक ये यहाँ पे है और एक इससे थोड़ा ऊपर और दूसरा यहाँ पे। सो गाइस, हमारी गौशाला के आसपास छोटा सा जंगल भी है। और अभी जा रही हूँ मैं अपने गांव वाले घर, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ काम है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मुझे वहाँ पे क्या काम है और मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। अभी हम जाएंगे जंगल के रास्ते से। आजकल खेतों में गेहूँ निकल आई है और खेत देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, हरे भरे। और गाइस, यहाँ पे तीसरा आ गया है, यहाँ पे जहाँ पे पशुओं को पानी पिलाते हैं। लोगों ने जगह जगह बना रखे हैं ऐसे अपने अपने लिए, और ये पीने का पानी है। सो गाइस, एक गौशाला हमारी यहाँ पे है और दूसरी हमारे गांव वाले घर के पास है। और ये हमारा छोटा सा जंगल यहाँ से स्टार्ट होता है और उधर सामने जाके ख़त्म हो जाता है। ये रास्ता हमारा जंगल से होके जाता है गांव के लिए, क्योंकि ये गौशाला हमारी जंगल के बीच में ही है वैसे। तो गाइस, यहाँ का रास्ता तो देखो बीच बीच से कैसे टूट फूट गया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो गाइस, अब बज गए हैं सुबह के 8:30 और धूप निकल आई है। सो गाइस, अभी जंगल का हो गया है द एंड, और अब जंगल के उस पार पहुंच गई हूँ मैं, और जंगल रह गया उधर। सो अभी मैं चल चल के थक गई हूँ और अभी मुझे रेस्ट चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे, मिलते हैं कुछ देर के बाद। सो गाइस, अभी मैं बैठ गई हूँ, चल चल के थक गई, और अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपना छोटा सा खेत जहाँ पे हमने जौ उगा रखे हैं और हल्के हल्के से निकल भी गए हैं। ये है हमारा जौ का छोटा सा खेत जहाँ पे जौ हल्के हल्के से निकल गए हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ की थोड़ी सी सीनरी दिखा लेती हूँ। सो गाइस, चलते हैं अभी पुराने घर की तरफ। और यहाँ गांव की महिला अखरोट के पौधों से दातुन निकाल रही है। सो गाइस, अभी पहुँच गई हूँ मैं अपने गांव वाले घर में। ये है मेरा घर, गांव का पुराना घर। सो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं अंदर, और ये जो मैंने हाथ में ले रखा है ये हमारी गाय का दूध है जिसे मैं अंदर रख रही हूँ। सो गाइस, ये हमारा लहसुन है, कितना बड़ा बड़ा रखा है, मैंने इस पे गांठ मार रखी है। और ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं ये हमारे अपने हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। और गाइस, ये जो खेत दिखाई दे रहा है इसमें हमने आलू बोए हुए हैं जो कि निकल भी आए हैं, देखने में सुंदर लग रहे हैं।
सो गाइज, इस वाले खेत में हमने आधे में प्याज उगाया है और आधे में लहसुन, और जो कि काफ़ी निकल भी गया है, कुछ दिनों के बाद खाने के लायक हो जाएगा। सो गाइज, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे भी लेज वाले घर में कुछ काम है, तो मुझे यही काम है, प्याज के बीच में जो छोटी छोटी हरी घास हुई है उसको निकालना। एंड कल मैंने लहसुन के बीच का घास निकाला था और आज प्याज के बीच का घास निकाल रही हूँ, और उसके बाद जाऊँगी मैं घर। ये मेरी दीदी है और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और हाथ से ही सीमेंट को उठाए जा रही हैं, और अब मेरे खेत हो गए हैं बिल्कुल साफ। सो गाइज, मैंने अब अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, जो सामान ऊपर रखा था अब उसको लेती हूँ और अब चलती हूँ अपने नए घर की तरफ। और अब वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।